जी मसूद रशीदी पाशा होम्स CEO और हमने ये बहरिया प्रोजेक्ट्स के बहरिया कैन टाउन के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये थीम पार्क के सामने फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर एग्जीबिशन हमने पार्टिसिपेट की है ये zameen.com की और वी आर इन्जॉयड और बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिला है और वी आर हैप्पी कि और इस तरह की एग्जीबिशन पाकिस्तान के अंदर रेगुलर होने चाहिए जिस पे लोगों को बड़ा इसके अंदर एडवांटेज मिलती है और आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं और हमारे ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये पाशा होम्स के नाम से 3 बेड है और 4 बेड है थीम पार्क के सामने बैरियर टाउन के अंदर है और ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं ताकि आम आदमी जो है ईजीली इसके अंदर अफोर्ड कर सके और अपने घर के घर बना सके जो जो गवर्नमेंट का भी यही विजन है ये कराची में बैरियर टाउन कराची बैरियर टाउन के अंदर है ये। अच्छा मतलब थोड़ा सा अभी ज़रा बताइएगा बैरियर टाउन के हवाले से कुछ तहफात भी थे लोग अभी आप देख रहे थे बड़ी मारामारी चल रही थी बैरियर टाउन के कुछ प्रोजेक्ट भी बंद थे 6 महीने काम भी बंद था अभी कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कुछ उनके पेशेंट कट भी गए हैं कुछ प्लाट वगैरह उस हवाले से भी क्या सूरत हाल है ताकि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट देखिए मलिक साहब बड़ा अच्छा लोगों ने पीछे खींच लिया है ना कुछ देखिए मलिक साहब बड़ा अच्छा विजन लेके चलते हैं और बड़ा बड़ा ब्रॉड माइंड के साथ लेके चल रहे हैं और जो लोगों को अभी वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह नहीं मिले हैं और वो मलिक साहब उनको बहुत जल्द उसको भी अलाउट कर देंगे उनकी इंटरनल वर्किंग हो रही है उस चीज़ के ऊपर और वो किसी भी जिस विजन के थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके थ्रू कभी भी किसी के आदमी जो है उनसे ना उम्मीद हो के नहीं लौटेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर थोड़ा सा ज़रा इसके हवाले से अपने प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा ज़रा डिटेल में बताइए क्या इसके मतलब कीमत है क्या इंस्टॉलमेंट है कंप्लीशन अच्छा इसकी बेसिकली थीम पार्क के सामने है हमारा जो हुआ है K4 के ऊपर और ये जो है इसकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट है और जिन लोगों की बैरिया के अंदर मर्जिंग फाइल्स थी जो ABCD के अंदर थी उनकी भी हम 100% इसके अंदर मर्जिंग्स ले रहे हैं ग्राउंड प्लस 8 का ये यूनिट्स है 1280 स्क्वायर फिट का ये हम इसका अपार्टमेंट्स इसका बना रहे हैं और दूसरा हमारा जो यूनिट है वो है थीम हेड ऑफिस के सामने है और वो भी ग्राउंड प्लस 8 है और 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर है वो भी। अच्छा सर इसमें आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में आप व्हाट से अबाउट दिस एग्जीबिशन व्हाट द रोल ऑफ एग्जीबिशन टू प्रमोट योर प्रोजेक्ट योर कंपनी योर नेम इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपको इसमें कुछ एक्सपोजर मिला है। हाँ जी बड़ा हमें इसमें वी आर वेरी हैप्पी और के इस ज़बरदस्त किस्म के हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका मिल सका है और यहाँ पे बेइंतहा लोग आए हैं एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस में नहीं थी इतना क्राउड आएगा मगर बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आया और रेगुलर इस किस्म के एग्जीबिशंस के अंदर और होनी चाहिए और हर शहर के अंदर होनी चाहिए। अच्छा सर दूसरा जो आपके प्रोजेक्ट है उसके हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रोजेक्ट बिल्डर अनाउंस करते हैं वो एक तो ऑन टाइम नहीं देते दूसरा ये कि जो रेट तय करते हैं वो उस रेट पर नहीं देते तो ये लोगों एक वो देखिए कोई मतलब रेट बढ़ा देते हैं बीच में कि सरिया महंगी हो गया है सीमेंट महंगी हो गई है जो है हमारे जो है पैदावारी लागत बढ़ गई है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए लोग अगर प्रोजेक्ट होता है वो 10 साल में चला जाता है देखिए लोग जो प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होता है वो 3 इयर्स की बेस पे लॉन्च हुआ है और इस कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के लिए ज़रूरी है कि जिन लोग जो लोग इसके अंदर पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं वो ऑन टाइम पेमेंट्स देते रहें तो टाइमली प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और जो कमिटमेंट्स एक दफ़ा कंपनी के साथ हो जाती हैं कंपनी उसको रिवाइज नहीं करती है। अच्छा जो इनके अंदर यूटिलिटी चार्जेस वगैरह होते हैं वो चार्जेस एंड के ऊपर इम्पोज्ड होते हैं ना और वो गवर्नमेंट उस जिस हिसाब से अपना टैरिफ रिवाइज करती है उसी टैरिफ के हिसाब से लोग डिमांड करते हैं हम लोग। अच्छा मैं सर कुछ आपके सेक्टर में बहुत से मसाइल भी होते हैं बहुत से चीज़ें भी होती हैं गवर्नमेंट से कोई डिमांड होती है उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको उस हवाले से कोई मसाइल फेस करने पड़ रहे हों जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई टैक्सेस के हवाले से कोई प्रॉपर्टी के हवाले से जनाब टैक्सेस हैं गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं तो ज़्यादा लगाए हैं और उन टैक्सेस को रिड्यूस्ड होना चाहिए और उस अगर वो टैक्सेस लगाएं तो उसके साथ साथ फिर फैसिलेशंस भी थे जो थी ना वो भी जो ओवरऑल बैरिया के अंदर तो कोई ऐसे मामलात नहीं है कि रिश्वत वगैरह की या दूसरे मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरी है वहाँ पे मगर जो ओवरऑल एरियाज़ के अंदर वो बेटर है कि वहाँ के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जिस हिसाब से टैक्सेस इम्पोज कर रही है तो लोगों को फैसिलेट भी करे रोड्स स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पर बना के दे ताकि पब्लिक इजीली वहाँ पे आ सके और वहाँ पे ऊपर आराम से जो है रह सके। अच्छा ये पार्क लैंड जो है ये मतलब स्टेट हाँ ये हाँ ये हम पार्क लैंड फेम भी हमारी की दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी है और वो स्कीम 33 के अंदर वर्किंग करते हैं प्लॉट्स वगैरह के अंदर। अच्छा
मार्केट भी वही कर रही है आपके इस प्रोजेक्ट को? जी, हारून स्टेट्स वाले जो हमारे पाशा हाइट्स को है वो हारून स्टेट वाले मार्केट कर रहे हैं, और बहरे टाउन के वो ऑथराइज अच्छे एजेंट्स लोग में आते हैं और वो लोग इसको प्रोजेक्ट को हमारे मार्केट कर रहे हैं। सर, पाशा के हवाले से बताएंगे कब से एसोसिएट हैं आप इसे? और मैं पाशा का सी ई ओ हूँ, और हम फॉर द लास्ट 5 ईयर्स से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं शहर के अंदर, और जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर्ड किए हैं, और हम बहरिया के अंदर वर्किंग कर रहे हैं इसलिए बहरिया के अंदर नीट एंड क्लीन है और लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं वहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी वजह से हमने डिसीजन लिया है कि बहरिया के अंदर ही हम अब आगे की तरफ अपने आप को प्रोजेक्ट के अंदर और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके थ्रू कोई कस्टमर के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से? आपके नाम की तरफ से हेल्पलाइन? हाँ जी, हेल्पलाइन वालों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे वर्किंग इस्टेब्लिश की हुई है, और वी आर हैप्पी के इस किस्म का मीडिया यहाँ पर आए और लोगों के तासुरात को, लोगों के मैसेज को प्रॉपर तरीके से लोगों तक कन्वे कर सके। थैंक यू।